आज हम बनाने वाले हैं मुरमुरा नमकीन। आप इसे मुरमुरा चिवड़ा भी कह सकते हैं। जब भी कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे तो मुरमुरा नमकीन सबसे अच्छा ऑप्शनल है, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही बढ़िया लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं चटपटा नमकीन बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई को गर्म कर लिया है। गर्म कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे लगभग 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गरम होने के बाद इसके अंदर डालेंगे आधा छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच जीरा। जब जीरा और राई थोड़ा चटकने लगे तब हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप मूंगफली। मूंगफली के दानों को हम धीमी आंच पे 2-3 मिनट तक चम्मच लगातार चलाते हुए भून लेंगे, ताकि इसके अंदर का कच्चापना चला जाए। जब मूंगफली का हल्का कलर चेंज हो जाता है तब हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप दालिया यानी कि रोस्टेड चना दाल। रोस्टेड चना दाल डालने के बाद इसे भी हमें धीमी आंच पे अच्छी तरह से भून लेना है 2-3 मिनट तक। अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 सूखे लाल मिर्च। लाल मिर्च को मैंने 2 भागों में तोड़ के डाला है और साथ ही साथ डालेंगे 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है, आप यहाँ पे देख ही सकते। थोड़ा सा हम करी पत्ता डाल देंगे। इन सारी चीजों को हमें जब तक मिलाते हुए भुनना है जब तक कि करी पत्ता थोड़ा सा क्रिस्पी नहीं हो जाता। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं करी पत्ता हमें अच्छी तरह से भून लिया है। अब बारी आती है इसके अंदर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालने की। आधा छोटा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, बस थोड़ा ही डालना है। नमक डालेंगे स्वादानुसार, मैंने यहाँ पे लगभग आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया। फिर से हमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को बस कुछ सेकेंड के लिए लो फ्लेम पे भून लेना है। आप चाहे तो इन नमकीन बनाते समय इसके अंदर आप सूखा नारियल काट के डाल सकते हैं, 5-6 लहसुन के कलियां डाल सकते हैं, हींग और अमचूर पाउडर भी आप इसके अंदर डाल के नमकीन बना सकते हैं। अब बारी आती है इसके अंदर मुरमुरा डालने की। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम में मुरमुरा इसके अंदर डाल दिया है। ध्यान रहे हमें इसके अंदर मुरमुरा छान के ही डालना है। इन सारी चीजों को हमें एक साथ मिला लेना है कुछ इस तरह से। इससे पहले मैंने 2 तरह के पोहा चिवड़ा बनाया है, साबुदाना चिवड़ा बनाया है, कॉर्नफ्लेक्स चिवड़ा भी बनाया है, मखाना नमकीन भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये सारी रेसिपी की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी। तो यहाँ पे मैंने इन सारी चीजों को 4-5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे मिलाते हुए भून लिया है। गैस को ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को हम गैस से नीचे उतार लेंगे। अगर आप मुरमुरा नमकीन मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसके अंदर आप 1 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी भी मिला सकते हैं। आप यहाँ पे वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने खट्टा मिट्टा रेडीमेड ये नमकीन लिया है, ये डालना ऑप्शनल है। अगर आप खट्टा मिट्टा नमकीन ये मुरमुरा चूड़े के अंदर डाल देते हैं तो इसका स्वाद दुगना हो जाता है। यहाँ पे मैंने आधा कप ये लहसुन वाली सेव ली है, ये भी बहुत ही बढ़िया लगती है चूड़े के अंदर। तो आधा कप मैंने ये डाल दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे लगभग आधा कप के करीब ये खट्टा मिट्टा नमकीन। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी कहा कि खट्टा मिट्टा नमकीन और सेव डालना ऑप्शनल है, पर ये दोनों डालने से मुरमुरा चूड़े की क्वांटिटी बढ़ जाती है और खाने में तो इसका स्वाद दुगना हो जाता है। इन सारी चीजों को हमें एक साथ अच्छी तरह से मिला लेना है। तो लीजिए, यहाँ पे अपना क्रिस्पी और चटपटा मुरमुरा नमकीन खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए टमाटर और प्याज डाल के भी खा सकते हैं। अगर आपको आज की मुरमुरा नमकीन की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिए। आप इसे आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और भी आने वाले अच्छे अच्छे रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।